उत्तर प्रदेश निर्वाचन पर बीजेपी प्रार्थी तालिका घोषणा दुईट पर्याय 105 प्रार्थी लिस्ट जारी कर दल तेज सबु चर्चा रे विराम लगाई गोरखपुर निर्वाचन लड़े सीएम योगी आदित्यनाथ सिराथ आसन लड़े केशव प्रसाद मौर्य 107 सीट्रु 21 विधायकों टिकेट देनी दल चलित बर्ष एनडीए 300 पार सीट जितबो धर्मेन्द्र प्रधान कहते धर्मेन्द्र कहते कल्याणकारी सरकार देवा आमर प्रतिबद्धता दल रे समस्त भागीदारी अच्छी गत 5 वर्ष रे उत्तर प्रदेश रे सर्वस्पर्शी संवेदनशील शासन रही आसी जहार आधार 2022 रे निर्वाचन रो ये महापर्व रे दल पुणी थरे बाजीमात करिबो उत्तर प्रदेश रे जनता आशीर्वाद तांको सहित रही यूपी रे मेडिकल कॉलेज खोलुची एक्सप्रेस वे हेउची दिने असुस्थ राज्य भाव रे गणा जाउथबा उत्तर प्रदेश मोदी वो जोगींक सरकार राज्य को देश रे एक नंबर राज्य हेबाकु जाउची आशीर्वाद करेगा हमारी पार्टी के ऊपर एनडीए के ऊपर हमारी गठबंधन फिर 300 से अधिक मतों से जीतेगी सीटों को हम जीतेंगे ये हमारा पूरा भरोसा है। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। कैराना से भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती मृगांगा सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। थाना भवन हम सबको मालूम है कि गन्ना किसानों की स्थिति बहुत ही खराब थी। हमारे सरकार के समय बहुत अच्छे गन्ना किसानों के लिए काम हुआ। वहाँ से गन्ना मंत्री श्री सुरेश राणा को पुनः भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी अपना बनाया है। किठोर अभी सिटिंग विधायक सत्यवीर त्यागी जी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और मेरठ से श्री कमल दत्त शर्मा पार्टी के प्रत्याशी होंगी। मेरठ साउथ से सोमेंदर तोमर वो पार्टी के प्रत्याशी हैं। छपरौली से श्री सहेंद्र सिंह रमाला यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सिकंदराबाद यहाँ पार्टी ने नौजवान कार्यकर्ता श्री लक्ष्मी राज सिंह को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ बदलाव हुआ है। श्री बुलंदशहर से प्रदीप चौधरी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। फतेहपुर सीकरी में बदलाव हुआ है। यहाँ पे केंद्रीय चुनाव समिति ने चौधरी बाबूलाल को चौधरी बाबूलाल जी पूर्व में मंत्री रहे सांसद रहे उनको प्रत्याशी बनाया है। विद्वान व्यक्ति ऐसे श्री सुरेश खन्ना को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने वहाँ से प्रत्याशी बनाया है। इस प्रकार से यह मैंने आप के समक्ष दूसरे तीसरे पहले और दूसरे फेज का नाम आपके समक्ष पढ़ा।